दोस्तों हुआवे ने अपना इंडिया में लॉन्च कर दिया है हुआवे Y9 प्राइम 2019 एडिशन को, जो कि दोस्तों इसमें आपको कुछ अच्छे फीचर देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्राइस में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है, क्या इस प्राइस में इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों मैं इसका वीडियो पहले ही बनाना चाह रहा था लेकिन मैंने इस फ़ोन का वीडियो नहीं बनाया। लेकिन दोस्तों मैं देख रहा हूँ कि इस फ़ोन का बहुत सारा अनबॉक्सिंग हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि ये फ़ोन बहुत ही खास है, बहुत ही इसमें आपको कमाल के फीचर मिलेंगे। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या इसमें आपको सच में खास फीचर देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप दोस्तों ये फ़ोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में। तो इसका डिजाइन दोस्तों आपको बैक साइड में अच्छा देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की बड़ी देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसका जो डिजाइन दिया गया है मुझे उतना खास नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं ऊपर कुछ और कलर है और दोस्तों नीचे कुछ और कलर है। तो कह सकते हैं इसमें आपको डुअल कलर देखने को मिल जाएगा। इसके बैक साइड में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। अगर इसके फ्रंट साइड की बात करते हैं तो इसमें आपको फुल व्यू की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। डिस्प्ले साइज की बात करते हैं तो 6.59 इंच की एक फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी दोस्तों इसमें आपको TFT डिस्प्ले दिया गया है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि डिजाइन और डिस्प्ले में फोन काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पे काफ़ी देखने में अच्छा भी लग रहा है। बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। तो बैक साइड में इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि पहला रहेगा 16 MP का मेन कैमरा, जबकि दूसरा रहेगा वाइड एंगल कैमरा और तीसरा रहेगा 2 MP का डेप्थ कैमरा। वहीं अगर बात करते हैं फ्रंट की तो इसमें आपको 16 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं दोस्तों कि कैमरा में फ़ोन आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसर इसमें आपको किरिन का 710F प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा पुराना जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आप आराम से गेम खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात करते हैं रैम और स्टोरेज की तो दोस्तों ये फ़ोन आपको सिंगल वेरियंट में लॉन्च हुआ है, जिसमें आपको 4 GB की रैम 128 GB की स्टोरेज मिल जाएगी। ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड के 9.0 पे रन करेगा। और दोस्तों एक अच्छी बात है कि इसमें आप मेमोरी कार्ड लगाने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है, यानी दोस्तों इसमें आप एक सिम एक मेमोरी कार्ड आराम से लगा सकते हैं। बात करते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। इसमें आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, साथ में टाइप सी भी दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फास्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आज के टाइम में जिस प्राइस में फोन लॉन्च हुआ है, अगर फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रहा है तो मुझे सबसे बड़ी यहाँ पे दिक्कत लग रही है। बात करते हैं अदर फीचर के बारे में। तो इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को जरूर मिलेगा। इस फोन में आपको OTG का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और साथ में डुअल वोल्टी का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक बात आपको ध्यान में रख लेना है, इसमें आपको फेस अनलॉक का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों इस फोन के प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस रखा गया आपको 15,990 रुपया। तो दोस्तों बात करते हैं कि प्राइस तो यहाँ पे ठीक ठाक कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में अगर इस फोन में फास्ट चार्जिंग नहीं मिले, फेस अनलॉक नहीं मिले, चलिए दोस्तों फेस अनलॉक अगर नहीं मिल रहा है तो अलग अलग बात है, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों फास्ट चार्जिंग बिल्कुल रहनी चाहिए थी। मुझे इसका पीछे का डिजाइन भी दोस्तों अच्छा नहीं लगा। अगर आप दोस्तों 1000 रुपये अधिक लगाते हैं तो आपको Realme X ले सकते हैं, जो कि इससे बेटर होगा। लेकिन दोस्तों ये फ़ोन उतना ख़राब भी नहीं है, अगर आपको ऑफर डिस्काउंट मिल रहा है तो आप इस फोन को चेक कर सकते हैं, आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे दोस्तों आप इस फोन के बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आप बताइए कि इस फोन में आपको क्या ऐसा फीचर नहीं मिला जिसके चलते इस फोन को आप बाय नहीं करेंगे, और दोस्तों क्या ऐसा इसमें आपको खास फीचर मिलेगा जिसके चलते ये फोन बाय करेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो चलेगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।